साथियों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं ऐसे एक इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाले ऐसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जो आपको स्वयं को, परिवार वालों को और साथ ही साथ अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को भी इस कोरोना की स्थिति दौर में और आने वाली स्थिति दौर से हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं हम उस महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। साथियों हम लोग चर्चा करने वाले हैं वे है इम्यूनिटी पावर। हम अपने बॉडी की इम्यूनिटी पावर को कैसे बढ़ाएं। यदि आपको या आपके शरीर में किसी प्रकार की इम्यूनिटी की कमी है और इम्यूनिटी कमी मालूम कैसे पड़ेगा, आपको बार बार सर्दी जुकाम होना या बार बार फीवर हो जाना, कफ कोल्ड हो जाना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसके द्वारा हम अपने आप को जान पाते हैं कि शरीर में इम्यूनिटी की कमी है। यह स्वास्थ्य का हमेशा सही न रहना, बार बार स्वास्थ्य खराब होना, वे आपके लो इम्यून अर्थात आपके प्रतिरोध क्षमता कम होने का परिचायक है। ऐसे कंडीशन में मित्रों आपको चाहिए कि आप अपने शरीर की प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप हरी साग सब्जी और साथ ही साथ विटामिन सी, विटामिन डी का सेवन करना चाहिए। विटामिन डी सूर्य की रोशनी से मिलती है। विटामिन सी आपको खट्टे पदार्थ जैसे जड़ी साग सब्जी जिसे आपको नींबू, ऑरेंज या पत्तीदार सब्जियों, इन सब्जियों से आपको विटामिन सी की प्राप्ति होती है। तो साथियों आप इसका सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मैं एक ऐसे महत्वपूर्ण जादुई पॉइंट के बारे में चर्चा करने वाला हूं जो कि हमारी बॉडी के क्लासिकल पॉइंट पे प्राय पाई जाती है और साथ साथ आपके हाथ के हथेलियों में भी है। साथियों यदि आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है तो इन बिंदुओं का निश्चित तौर से प्रयोग करना चाहिए। सबसे पहला नंबर पॉइंट आपका है प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए, वो है आपका GV14। GV14 होता है मित्रों हमारे सर्वाइकल, हमारे बिग पार्ट है सर्वाइकल में, सर्वाइकल 7 और आपका थोरोसिक 1। जैसे कि आप इस फोटोग्राफ्स में देख पा रहे हैं कि जीवी जो 14 है वे आपकी सर्वाइकल का 7 नंबर और थोरेसिक का 1st नंबर जहाँ पे हमारे वर्टिब्रा मिल रहे हैं उस वर्टिब्रा पॉइंट पे ये GV14 है। इस GV14 को आप हाथ के अंगूठे से मसाज दे सकते हैं या तो फिर वहाँ पे कला लगा सकते हैं। घबराई मत साथियों, आप कहेंगे हमारे पीछे हम सेल्फ कैसे करेंगे, वैसे हमारा हाथ पहुँच जाता है वहाँ तक। आप वहाँ पे हाथ को पहुँचा कर दीजिए या तो फिर अगर आप संक्रमित नहीं है और घर में इम्यूनिटी कम है तो अपने घर में माता पिता, भाई बहन या अपने साथियों से भी आप अपना मसाज करवा सकते हैं। तो उन बिंदुओं पे, और वैसे GV14 जो है पहचाने बहुत ही आसान है। अगर आप पीछे खोल कर देखेंगे तो जो GV14 वाला पार्ट है वे उभरा हुआ भाग होता है। आप स्पाइन को बराबर हाथ से चला कर देखिएगा, उभरा हुआ भाग है, उस उभरा भाग को ही आप मसाज करना है और वहीं पे भी कलर लगाना है। उसमें कलर यदि लगाना है तो रेड कलर लगाना है, ध्यान रखना है। दूसरा नंबर पॉइंट है आपका, वो है LI11। LI11 मित्रों हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा। ये जो LI11 हमारे लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत की है, क्योंकि पेट में यदि कॉन्स्टिपेशन है, पेट सही तरह से साफ नहीं है तो भी हमारी प्रॉब्लम इम्यूनिटी पावर कम होती है, स्किन संबंधी डिजीज आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। अब वैसे कहा जाए तो सभी प्रकार के रोगों की जड़ जो है हमारे उसी बड़ी आंत में है। तो साथियों हमें चाहिए कि हम लोग क्या करें, LI11। LI11 क्या होता है, आप फोटोग्राफ में जैसे देख भी पा रहे हैं, हाथ को यूं फोल्ड कर लीजिए और आपके केहनी वाले भाग में जो उभरा हुआ भाग होता है, जैसे कि आप फोटोग्राफ में देख पा रहे हैं ये उभरा हुआ भाग है, और इस उभरा हुआ भाग पर ही आप यदि यहाँ पे येलो कलर लगा दें, कौन सा लगाएंगे, येलो कलर, या तो फिर हाथ से अंगूठे से उस पार्ट को ऐसे मसाज दीजिए, क्लॉक वाइज दीजिएगा, ध्यान रखना है आपको इसको क्लॉक वाइज मसाज दीजिए। इस तरह से देख पा रहे हैं आप, इस प्रकार से यदि आप मसाज देते हैं तो निश्चित तौर से कितने बार देंगे आपको, 20-25 बार दीजिए बोथ हैंड में, ध्यान रखिएगा दोनों ये उपचार जो बोथ हैंड में। लेकिन आप कहेंगे GV14 क्या करें, GV14 क्योंकि सेंटर में उसे वन एक ही जगह पे लगेगा, और इसको हाथ में यदि आपने लेफ्ट हैंड दिया तो राइट हैंड में भी सेम इसी प्रयोग को करना चाहिए, जो उभरा हुआ भाग है केहनी में, तो इसी वाले भाग को आपको क्लॉक वाइज 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से क्लॉकवाइज आप इसको प्रेशर दे सकते हैं। तो ये दो बिंदु है मित्रों, GV14 और LI11। तीसरा नंबर पॉइंट, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये हमारे, इसको हम लोग हेड का डिस्टल पॉइंट कहते हैं।
अकॉर्डिंग टू TCM ये डिजिटल पॉइंट और महत्वपूर्ण बिंदु है। ये है कहाँ हमारे पे, ये हमारा है, आप देख पा रहे हैं हमारे हाथ के इस वाले भाग में, जो ये वाले भाग है, इस भाग पे आपका ये जो है इसके यहाँ पे सेंटर पार्ट में है, अर्थात अंगूठा और फर्स्ट उंगली इंडेक्स फिंगर के ये बीच वाले भाग पे ही। इसको यदि मर्म थेरेपी दृष्टिकोण देखकर ये क्षिप्र मर्म है, तो ये क्षिप्र मर्म वाला भाग है, यही हमारा LI4 है। तो LI4 क्या करता है, हमारे नाक कान या हमारे गले तक की कोई भी प्रॉब्लम्स आए या फिर यहाँ तक लंग्स में भी आ जाए तो भी उसको वहाँ से निकाल के बाहर फेंकने में सक्षम होता है, या हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाए रखने में ये बहुत ही कारगर चिकित्सा पद्धति है। तो क्या करेंगे, इस पर भी आप ब्लैक कलर लगा सकते हैं, या इसको सिंपल आप ऐसे दबा लीजिए, देख लीजिए आप इसको, और इसको इसी को क्लॉक वाइज आपको 10, 15, 20, 25 बार सुबह, दोपहर, शाम तीनों समय आप कीजिए, घर बैठे बैठे इतना तो आप कर ही सकते हैं। साथियों, आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस LI4 पॉइंट को जरूर क्लॉक वाइज प्रेशर करें। यदि कलर लगाना है तो 4 आने के बराबर यहाँ पे ब्लैक कलर लगाइए, ऊर्जा यहाँ की बढ़ेगी। ये तीनों बिंदु है। साथ ही अगर कोई अगर जानकार है प्रेशर के है तो आप चाहते साहब नहीं हम मैग्नेट लगाना चाहते हैं, रिवॉर्ड मैग्नेट लगाइए, आप चक्र मैग्नेट लगा सकते हैं या फिर बड़ा वाला मैग्नेट लगा सकते हैं, 3 नंबर का क्लासिकल मैग्नेट। तो उसमें करना क्या होगा, आपको टोन करना है, टोनिफिकेशन, मतलब व्हाइट मैग्नेट जो है ऊपर की ओर दिखाई पड़ेगा, येलो मैग्नेट अंदर की ओर होगा। आप इसको कहाँ पे कैसे लगाना है आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं। आप देखिए, मैंने GV आपका 14, LI11 और आपका LI4 तीनों बिंदुओं को मैं सिक्वेंस क्रमशः आपको यहाँ फोटोग्राफ के माध्यम से भी दिखा रहा हूँ। वहाँ पे पेपर टेप ले करके आप वहाँ पे चिपका दीजिए। यदि साथियों, यदि आप वहाँ चिपकाते हैं तो वहाँ की एनर्जी बढ़ेगी, और एनर्जी बढ़ेगी इसका मतलब है कि आपके अंदर की इम्यूनिटी पावर बढ़ती जाएगी और आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो आप डॉक्टरों को सलाह जरूर लें, उपचार जो साथ साथ में उसका आप ये उपचार को भी साथ में अपनाएं, इससे आपको लाभ मिलेगा और समय मिलेगा ही मिलेगा। तो साथियों, 3 बिंदु हमने चर्चा किया, GV14, LI11 जो कि हम किन्हीं बताया, और LI4 ये है। यदि ऊर्जा बढ़ानी तो आपको GV14 पे रेड कलर लगानी है, LI11 पे आपको लगानी है येलो कलर, और LI4 पे लगाना है ब्लैक कलर। लेकिन साथियों, अब दूसरी बात ध्यान रख लीजिए, ये तो आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए है। हाँ, इसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू सुजोक थेरेपी हमारे हाथ की हथेलियों में भी आती है। तो GV14 आता है हमारे अंगूठे के इस भाग में, जहाँ ज्वाइंट देख पा रहे हैं, जैसे मैंने आप अपने हाथ में लगाया, देखिए ये आप देख पा रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पे रेड कलर है, बिल्कुल ज्वाइंट के सेंटर में है, ये है GV14। आप यहाँ पे लगाइए, अगर पीछे नहीं लगा सकते हैं आपके स्पाइन पे तो आप यहाँ पे लगा दीजिए। LI11 आप अपने इंडेक्स फिंगर को इस तरह से मोड़ते हैं तो साथियों यहाँ पे है आपका कौन सा है आपका यहाँ पे LI11, बिल्कुल ज्वाइंट में किनारे लगाना है, बीचों बीच नहीं लगाना है, किनारे पे लगाना है, LI11 का पॉइंट है ये। और इसके बाद LI4 जो है आपके LI4 देख पा रहे हैं, ये हमारे हाथ में आप सही तरह से फोटोग्राफ देख लीजिएगा, बिल्कुल ये ज्वाइंट है, ज्वाइंट के इस कॉर्नर में, किधर कॉर्नर, इस किनारे में आउटसाइड, जिधर अंगूठा है आपका, अंगूठे की तरफ ही किनारे में आप देख पा रहे हैं, आप इस तरह देख पा रहे हैं, यहाँ पे ज्वाइंट से जस्ट हमारे जोड़ है ये, जहाँ फर्स्ट ज्वाइंट मोड़ते हैं उसके जस्ट नीचे से यहाँ पे हम लोग ने इस पॉइंट को लगाया है। तो इन 3 बिंदुओं को लगाए। अब प्रश्न ये है आपके पास कि हम कलर कहाँ से लगाएं। मित्रों, सिंपल सा है, बच्चों का ये स्केच पेन होता है, इस स्केच पेन का यूज कर सकते हैं, वैसे ही इसको हम लोग कहते हैं वाटर कलर ही यूज कर सकते हैं, या इससे थोड़ा सा बड़ा वाला भी हमारे पास स्केच होता है जो बच्चे अपने ड्राइंग में यूज करता है, तो उभरने वाली इस स्केच पेन का आप प्रयोग कीजिए, सामान्य क्रम में ये यूजफुल है। कभी भी आप फिक्स मार्कर जिसमें केमिकल होता है उसका प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि इससे हमारा स्किन खराब हो सकता है। तो साथियों, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण बिंदु मैंने जो आप चर्चा किया, ये आवश्यक है, हमें लगाना चाहिए, इससे हमारी प्रतिरोध क्षमता बढ़ेगी। एक क्लासिकल पॉइंट जो शरीर में लगाने कहा था, दूसरा आपका इसकी कोरोस्पोंडेंस, जिसे स्टैंडर्ड कोरोस्पोंडेंस कहते हैं, हाथ की हथेली में, वहाँ पे आप इस तरह से 3 बिंदुओं को लगा सकते हैं। एक बिंदु मैंने यहाँ पे बताया GV14, एक बताया LI11 और एक है आपका LI4। इन 3 बिंदुओं पर आप कलर लगाइए और आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइए। साथियों, इसके साथ साथ यदि आपके पास कभी भी आपको, यदि आप संक्रमित होते हैं या कभी भी संक्रमित नहीं है कोरोना का, और मान लो ये आपके सर्दी जुकाम है, फीवर बनी हुई है, तो ऐसे कंडीशन में इन बिंदुओं पे क्या उपचार देना है,
आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बिंदु है, लेकिन जस्ट इसके अपोजिट अब आप क्या करना है, इन सभी बिंदुओं पे ब्लैक कलर यूज करनी है। यदि आपको नजला, जुकाम या आपका कोल्ड बन रहा है या शरीर में फीवर है या कोरोना अगर संक्रमित है, कोरोना के दौरान भी यदि आपको ऐसा सिम्टम दिखाई पड़ रहा है तो निश्चित तौर से आपको ये उपचार देना चाहिए, आपको निश्चित तौर से लाभ मिलेगा, ये आपको मैं गारंटी देता हूँ। क्या करना है, जीवी 14 के जो बिंदु मैंने चर्चा किया था सर्वाइकल वाले पार्ट पे, वहां पे लगाइए ब्लैक कलर, 4 आने के बराबर ब्लैक कलर यूज कर दीजिए। और जहां पे मैंने रेड कलर दिया था यहाँ पे इस ज्वाइंट पे, ये रेड कलर, यहाँ पे ब्लैक कलर यूज कीजिए आप, काला रंग। और क्या करेंगे, LI11 पर भी आपको ब्लैक कलर यूज करना है, यहाँ पे भी आप ब्लैक कलर यूज कीजिए, और LI4 पे रेड कलर यूज करनी है। जैसे कि आप इस फोटोग्राफ में देख लीजिए, मैंने आपको GV14 पे दिया है आपका ब्लैक कलर और LI11 पर भी दिया है ब्लैक कलर, और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण कार्ड हमने LI4 पे जो दिया है वो आपका है रेड कलर। तो साथियों, अगर इसका आप प्रयोग करेंगे, और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बिंदु और है जो हमेशा यूनिक है, जो कि फीवर के लिए, किसी प्रकार का ही फीवर हो या फिर कोई भी सीजनेबल फीवर हो रहा है उसके लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको आप अपने हाथ के इस अंगूठे पे, आप देख पा रहे हैं इस अंगूठे पे, यहाँ पे मैं फोटोग्राफ में भी दिखा रहा हूँ, यहाँ जो आप देख पा रहे हैं अंदर की तरफ इधर उंगली है वो ज्वाइंट से लेकर के जस्ट थोड़ा सा ऊपर, बिल्कुल सेंटर से आप किनारे की तरफ है हल्का सा, वहां पे आप लगा दीजिए ब्लैक कलर। साथियों ध्यान रखना है, हाथ में दोनों उंगलियों अंगूठों पे लगाना है और दोनों हाथों पे प्रयोग करना है, और प्रेशर देना है। तो प्रेशर का काम, तो आप इन्फेक्टेड हो, आपको सर्दी जुकाम है या नहीं, आप इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अगर प्रॉब्लम आ जाए तो भी आप इन बिंदुओं पे आप उपचार या आप मसाज प्रेशर दे सकते हैं, लेकिन कलर मैंने कहा था ब्लैक कलर लगाना है, और सर्दी जुकाम हो जाए तो LI4 पे रेड कलर यूज करना है, जैसे कि फोटोग्राफ में मैं आपको दिखा रहा हूँ। साथियों यदि आप इतना प्रयोग करते हैं तो आपको सर्दी जुकाम और फीवर से राहत मिलेगी, आप ठीक हो सकते हैं। इतना यदि प्रयोग कर ले तो साथियों आपको महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। लेकिन मान लीजिए एक चीज और भी हो सकता है कि आपको कफ कोल्ड अधिक बन रहा है, पूरे चेस्ट भरा हुआ है कफ से, तो ऐसे कर लीजिए ना, सुजोग के अकॉर्डिंग आपके हाथ की इस हथेली वाले भाग पे, इस पे आप क्या कर लीजिए, इस पे आप ऑरेंज कलर लगाइए। ऑरेंज कलर आपके पास अवेलेबल होता है, इसके जो मैंने दिखाया था, ऑरेंज कलर लीजिए और लंग्स के आकार में 2 यहाँ पे गोलाकार अंडाकार, जैसे कि मैं ये फोटोग्राफ में आपको दिखा रहा हूँ, आप इसमें क्या कर लीजिए, ऑरेंज कलर लगा करके इसमें भर के रख लीजिए। ये छोटे बच्चों में तो इतना फास्ट करता है मित्रों को, आप आश्चर्य होंगे। आप वयोवृद्ध भी है तो भी आप इसमें लगा कर रखिए। कितने घंटे लगा कर रखेंगे आप, 4 से 6 घंटा लगाइए, मैं तो कहता हूँ दिन भर लगाइए आप, आपके लिए ये यूजफुल होगा और आपके कफ कोल्ड शरीर से बाहर निकल जाए, क्योंकि ऑरेंज कलर का काम होता है कफ और कोल्ड को काट करके टुकड़े में बाहर निकाल देना। तो साथियों ये मैंने बिंदु आपको जो बताया ये महत्वपूर्ण है, अगर इतना आप प्रयोग करें तो आप खुद भी सुरक्षित होंगे, परिवार वाले को भी और अपने इष्ट मित्रों को सुरक्षित कर सकते हैं। मित्रों ये सारे जितने भी बिंदु बताए इसे आप अपने साथियों को शेयर कीजिए, इसको वायरल कीजिए। क्यों? क्योंकि इस बिंदुओं के प्रचार से यूं हो सकता है कि लोग आने वाले इस विपत्तियों से अपने आप को सावधान करेंगे, साथ साथ अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएंगे, और बढ़ाने के साथ साथ वो सुरक्षित हो सकता है, विशेषतर बच्चों के लिए। अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए, क्योंकि आने वाला जो कोरोना का तृतीय लहर है वह बच्चों को ज्यादा परेशान करने वाला है। इसलिए साथियों आप इस बिंदुओं को आप जरूर यूज करें, आप खुद कीजिए, आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, अधिक से अधिक इसको वायरल की तरह आगे बढ़ाइए, वायरल कीजिए इसको। और मैं आपको नेक्स्ट में आपको लेकर आया हूँ कुछ योगाभ्यास और कुछ प्राणायाम के महत्वपूर्ण टेक्निक, जो आपकी इम्यूनिटी पावर और आपकी प्रतिरोध क्षमता, आपके लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी क्या हो सकता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।